भागलपुर में 2017 में करोड़ों रुपए की सृजन घोटाले मामले में सीबीआई ने सृजन की किंगपिंग मनोरमा देवी की बहू रजनी प्रिया को गिरफ्तार कर लिया है। रजनी प्रिया को गाजियाबाद के साहिबाबाद से गिरफ्तार किया गया है। सूत्रों के मुताबिक यह बताया जा रहा है कि मामले का मुख्य आरोपी रजनी प्रिया के पति अमित कुमार की मौत हो चुकी है। सीबीआई ने करोड़ों के मालकिन रजनी प्रिया की मकान पर कई बार इश्तेहार चस्पा किया, वहीं इनके कई जमीनों को भी जब्त किया है। ईडी ने भी कई बार संपत्तियों को अटैच किया था। वहीं सीबीआई ने अमित रजनी प्रिया को भगोड़ा घोषित कर दिया था। उसका पता बताने वालों के लिए इनाम की भी घोषणा की गई थी, क्योंकि रजनी प्रिया और अमित वो मुख्य आरोपी हैं जिसके पास मामले से जुड़े कई अहम सबूत भी मिल सकते हैं और कई सफेद पोशों का भी पर्दाफाश हो सकता है। रजनी प्रिया सृजन घोटाले की मुख्य आरोपी है, जिसे ढूंढने के लिए सीबीआई ने एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया था। बरसों बाद सीबीआई को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सृजन घोटाले की मास्टरमाइंड मनोरमा देवी के निधन के बाद उनके आरोपी बेटे अमित कुमार और बहू रजनी प्रिया की संपत्ति पर 10 जनवरी 2023 को भी और जून 2023 में भी कोर्ट ने नोटिस दिया था। गौरतलब है कि अमित कुमार और रजनी प्रिया दोनों को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर सीबीआई ने उनकी पुराने आवास तिलका मांझे स्थित न्यू विक्रमशिला कॉलोनी में उनके 3 मकानों पर नोटिस चिपकाया था। सीबीआई ने 25 अगस्त 2017 को सृजन घोटाले की जांच शुरू की थी, जिसमें अभी तक कई बैंक अधिकारियों से लेकर क्लर्क सलाखों के पीछे है। बता दें, सृजन एनजीओ के खाते में ट्रांसफर की गई सरकारी राशि का बंदरबांट हुआ था। इस मामले में करोड़ों रुपए की घोटाले की बात सामने आई थी। पूरे देश के साथ भागलपुर में भी गदर 2 फिल्म रिलीज हो गई। इस बाबत आज भागलपुर के दीप प्रभा सिनेमा हॉल में गदर 2 देखने वालों की भारी भीड़ लगी रही। लोगों ने जमकर फिल्म हॉल में जय श्री राम के नारे लगाए। वहीं कुछ लोगों ने हिंदुस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के भी नारे लगाए। अब देखने वाली बात यह है कि यह गदर 2 किस कदर दर्शकों पर अपनी छाप छोड़ती है। कैसा लगा फिल्म? फिल्म का आधा अभी खत्म हुआ, इंटरमिशन हुआ है, ब्लॉकबस्टर मूवी है, जबरदस्त मूवी है। तारा फिर से पाकिस्तान में, उसका बेटा पाकिस्तान में। कैसा लगा फिल्म? फिल्म अभी जबरदस्त लगा है। क्या है फिल्म? ब्लॉकबस्टर अभी बाकी है पूरा। फिर से तारा पाकिस्तान का फिर से नाम बन गया। बताइए कैसा लगा फिल्म? जबरदस्त मूवी है। आज फर्स्ट दिन थर्ड शो आप देखिए, बहुत जबरदस्त है, फुल हाउसफुल है, पूरा आलम देख रहे हैं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम राजकुमार। भागलपुर जिले में पिछले 4 दिनों से हो रही लगातार बारिश के बाद जिले में गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि जारी है। पिछले 24 घंटे में गंगा के जलस्तर में 48 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई है, जिससे जिले में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। भागलपुर जिले के दियारा क्षेत्र में काफी तेजी से गंगा के पानी का फैलाव हो रहा है, जिसके बाद दियारा के लोग ऊंचे स्थानों पर शरण लेने के लिए अपने अपने घरों से मवेशी और जरूरी सामान के साथ रवाना हो रहे हैं। इस दौरान दियारा को भागलपुर शहरी क्षेत्र से जोड़ने के लिए एकमात्र उपाय नाव और डेंगी का सहारा बच गया है। लोग अपना जान जोखिम में डालकर दियारा से भागलपुर पहुंच रहे हैं। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि प्रत्येक वर्ष बाढ़ का दंश झेलना पड़ता है, अगर जिला प्रशासन और सरकार उनकी मजबूरियों पर ध्यान दे तो उनका भला हो सकता है और हजारों की आबादी खुशहाल हो सकती है। पानी सर देखते हैं कि बुरा दरवाजा पर पानी हो गया है, और माल जाल भी अभी हिला करके लाए हैं यहाँ रविंद्र भवन चिल्ला कोठी में रहेंगे। अभी सर सामान जो है सब डेंगी नाव से लाएंगे यहाँ पर। सब पानी में भर रात रहा, एकदम एक रत्ती नहीं बैठा, जानवर भूखे प्यासे यहाँ ये चढ़ा रहे हैं। अभी थोड़ा बहुत चढ़ेगा बकरी अभी की अपने गंगा माई आलो छे, दिक्कत कोन छे? परेशानी नै छे, परेशानी छे ने दै छो सब ना बेरा गंगा माई फसावे छे। तभी कहाँ जा रहलो तो? कहाँ जा रहलो छे? बाजार जा रहलो छे, रिलीफ दहो चाउर गहूँ जा रहल छे। घरे घर पानी हो गेल छ, टिल्हा जा रहल छन ऊंचा स्थान पर, घर में पानी घुस गेल। कैसे आबे जाय छ? डेंगी से नाव से मचान बना के धर दिल छ, जो मचान टूटल तो गेल हम भगवान भरोसे। परेशानी खूब छ। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अभी गंगा खतरे के निशान से 1 मीटर नीचे है,
खतरे के निशान से जब आधा मीटर और ऊपर जाता है तब जो है मतलब दिक्कत बाढ़ वाली स्थिति उत्पन्न होती है। तो अभी 1.5 मीटर जाने में बहुत समय है। कोसी में जो है पानी घटना शुरू हो गया है, जो नेपाल से जो बैराज से जो डिस्चार्ज था वो घट गया है, हमको लग रहा है 1,70,000 क्यूसेक के आसपास हो गया, कल 2 लाख से ऊपर था। बारिश चुकी हुई है और अब देख रहे हैं कि आज बारिश नहीं हो रही है तो हम लोग मान करके चल रहे हैं कि 2 से 3 दिनों में स्थिति जो है बेहतर हो जाएगी। वैसे बारिश होना भी बहुत ज़रूरी था, पिछले साल जो है बिल्कुल सूखे की स्थिति थी 117 पंचायतों में, इस बार भी धान की रोपनी बहुत कम हुई थी, लेकिन खुशी की बात है कि अच्छी बारिश हुई है तो धान की रोपनी भी जो है वो तेज़ गति से हो रही है, 40% से ऊपर कल सुबह तक ही हो चुका था। और हम लोगों का जो पानी की भी समस्या रहती है ग्राउंड वाटर रिचार्ज का, चूँकि पिछले बार सूखे की स्थिति आधे जिले के आधे पंचायतों में थी तो वो समस्या भी काफ़ी हद तक। अब आपके शहर भागलपुर में खुल चुका है पूरे बिहार का सबसे बड़ा और प्रीमियम सैलून लुक्स सैलून। लुक्स सैलून में आपको लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए सर्विसेज उपलब्ध है। लेडीज के लिए हेयर स्टाइलिंग, पार्टी मेकअप, ब्राइडल मेकअप, हेयर टेक्सचर, हेयर ट्रीटमेंट, फेशियल एंड रिचुअल्स, हैंड्स एंड फीट, नेल केयर जैसी सुविधाएं, तो जेंट्स के लिए हेयर कट एंड फिनिश, हेयर कलर, हेयर टेक्सचर, हेयर ट्रीटमेंट, स्किन केयर, बियर्ड ग्रूमिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध है। लुक सैलून अपनी सभी प्रकार की सर्विसेज पर 20% की भारी छूट दे रही है। तो अगर आप भी लुक सैलून के बेहतरीन प्रीमियम सर्विसेज की चाहत रखते हैं तो अभी बुकिंग कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए आप मोबाइल नंबर 9199062666 पर संपर्क कर सकते हैं या फिर www.looksalon.in पर जाकर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। बरारी थाना क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज के पास ट्रक के द्वारा एक दिव्यांग के ट्राईसाइकिल में जबरदस्त ठोकर मार दी, जिससे घटनास्थल पर ही दिव्यांग युवक की मौत हो गई। वहीं ट्रक ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। घटना की सूचना पर बरारी थाना पुलिस के साथ साथ ट्रैफिक DSP घटनास्थल पर पहुंचे और सब को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ट्राईसाइकिल चला रहे दिव्यांग युवक मेडिकल कॉलेज के पास सड़क पार कर रहा था, इसी दौरान घर बनाने के कार्य में लगे मसाला बनाने वाले ट्रक के द्वारा दिव्यांग युवक के ट्राईसाइकिल में जबरदस्त ठोकर मार दी गई, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि मृतक युवक बढ़ेपुरा का रहने वाला है और उसका नाम आसिफ बताया जा रहा है। ऐसे क्या हुआ था? ट्रक से हुआ था। ट्रक से? हाँ। कैसे ट्रक से हुआ था? हम लोग जा रहे थे, किनारे जा रहे थे। हाँ। और ट्रक वाला इधर से उधर से आया, धक्का मार कर चला। कौन ट्रक था? बड़का बड़का ट्रक था, मसाला वाला नहीं था। अच्छा, धक्का मारते हुए चला गया रोनते हुए। तो आदमी का क्या नाम था? क्या नाम था? दुखद घटना है। एक ट्राई साइकिल पे विकलांग था पर लड़की, उसको वो मिक्सर गाड़ी है, बीच दिन में अपना पीर पॉस एरिया है, भीड़ में चलता है, कैसे लगी नहीं मतलब ये मालूम हुआ कि एक्सीडेंट कर गया, भागे भागे आए तो देखते बच्चे उस लड़के का डेथ हो गया है। मिक्सर मशीन छोड़ के ड्राइवर भाग गए, वाहन को सीज करके अभी गौशाला में थाना के पास लगाएगा। भागलपुर व भागलपुर के आसपास के क्षेत्रों में बिसहरी पूजा का एक खास महत्व है, क्योंकि बिसहरी पूजा अंग जनपद की एक लोक गाथा पर आधारित त्यौहार है। इस त्यौहार को लेकर अभी से पूरे शहर में माहौल बनना शुरू हो गया है। प्रशासन भी सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम में जुट गई है, जिसको लेकर आज भागलपुर की समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार की अध्यक्षता में एक विशेष बैठक रखी गई, जिसमें सभी थाना के थाना अध्यक्ष एवं कई विभाग के लोग शामिल थे। SSP ने सभी थानों के थानेदारों से बिसहरी पूजा को शांति व सौहार्द के साथ मनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि इसके लिए शहर के हर क्षेत्र में बार बार फ्लैग मार्च निकाला जाए और आसपास के जितने भी अपराधी किस्म के लोग हैं उन्हें भी चिन्हित किया जाए, साथ ही लोगों को भाईचारे व सौहार्द के साथ यह त्यौहार मनाने के लिए प्रेरित किया जाए। वहीं SSP ने यह भी कहा कि उपद्रवियों द्वारा इस त्यौहार में किसी तरह की खलल डालने की कोशिश की जाएगी तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय की कुलपति सारे प्रोटोकॉल को किनारे कर आज विश्वविद्यालय थाना पहुंचे। दरअसल 1 से 7 नंबर तक पीजी बॉय हॉस्टल और विश्वविद्यालय के अस्पताल में बरसात का पानी प्रवेश कर जाने के बाद कल छात्रों और विश्वविद्यालय के अधिकारियों के द्वारा भैरवा तालाब में स्मार्ट सिटी के तहत कराए जा रहे सौंदर्यकरण स्थित तालाब में नाला काट कर पानी बहा दिया गया था, जिसको लेकर सौंदर्यकरण करने वाले कंपनी के द्वारा विश्वविद्यालय थाना में छात्रों के ऊपर FIR करने के लिए आवेदन दिया गया था, जिसकी शिकायत छात्रों द्वारा कुलपति से की गई थी, जिसके बाद कुलपति विश्वविद्यालय थाना पहुंचे और थाना प्रभारी छात्रों के खिलाफ मामला दर्ज नहीं करने को लेकर गुहार लगाई। वहीं उन्होंने कहा कि मामले को लेकर जांच विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा की जाएगी। शिकायत की कि हम लोगों पर FIR किया गया और कंस्ट्रक्शन कंपनी जो भैरव तालाब ये जो विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो हॉस्टल में रह रहे हैं छात्र, अगर कोई बात भी बात होती है तो उसका मतलब FIR करने के, आर दे क्रिमिनल्स एंड दे आर द स्टूडेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी हु आर लिविंग आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट, गांव के देहात के या दूसरे जिला के लोग पढ़ने के लिए आए और FIR कर दिया। FIR किसी भी हालत में नहीं होने दूंगा, मैं बता देता हूँ, इसलिए कि हमारे छात्र तो कोई जब यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं उसके लिए उसकी जांच की जाएगी। मैं एक कमेटी बनाऊंगा, है ना, दोनों पक्षों को देख करके देखेंगे, प्रॉक्टर के अध्यक्षता में एक कमेटी होगी जिसमें थाना इंचार्ज होंगे, उसके जो भी मैनेजर होंगे या जिसने भी लिखा है उसको बुलाया जाएगा और एक आपस में देखा जाएगा कि कौन पक्ष दोषी है, क्योंकि उसने अगर लिखा एप्लीकेशन तो हमारे छात्रों ने भी आवेदन दिया थाना में ना, तो ऐसी परिस्थिति में थाना इंचार्ज हैं, बड़ी एक्टिव हैं कि जब से आए हैं पूरा स्टूडेंट की समस्या जहां भी होती है विद इन मिनट पहुंचते हैं। मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं सीनियर SP साहब को और DSP जितने भी हैं मैं आपके कार्यकलाप को बताता रहता हूं। सर पानी प्रवेश कर गया था हॉस्टल में, हाँ, उसी को लेकर जो कल नगर आयुक्त भी आए थे। नगर आयुक्त आए थे, मैं गया था ना जी सर, आप भी लगा मैं गया था, मैं DM साहब के दुर्भाग्यवश मुलाकात नहीं हुई, यानी इसमें मैं जिलाधिकारी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जैसे उनको मालूम हुआ कि मैं गया था, उन्होंने बड़ी चिंता जाहिर की और जो SDM है उन्होंने मुझे बताया ना कि आपसे मुलाकात नहीं हुई, और मैं समझता हूँ कि उन्हीं के इनिशिएटिव पर ये सारे जो है लोग आए और ये, लेकिन अभी भी समस्याएं हल नहीं हुई। अभी जो वर्तमान में जो समस्या जो आने जा रही है कि अगर थोड़ा भी पानी बढ़ेगा तो इधर दियारा क्षेत्र है ना, उनको रुकना होगा, क्योंकि विश्वविद्यालय के अंतर्गत पिछले बार मैंने देखा है कि गाय भैंस जानवर लेकर के लोग विश्वविद्यालय में लाइब्रेरी में एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के पास मैंने आना जाना मुश्किल था, ना ऐसा नहीं है इस साल ऐसी परिस्थिति नहीं होगी। इसका कारण यह है कि एग्जामिनेशन हो रहा है, इसका कारण यह है कि क्लासेज रेगुलर करना है तो छात्र छात्राओं को निकलना मुश्किल होता है, लोग रोड पर भी भैंस गाय बांधते हैं। इसके लिए भी जिला प्रशासन को इसके लिए भी लिखूंगा, और वही नहीं आप ये जान लें कि हमको ये पता चला है कि ये लोग बिजली की चोरी करते हैं, कैंपस में आके रहते हैं रात में तार से, और इसकी शिकायत ये इंजीनियर है कि मेरे साथ गए थे राजभवन में, वहाँ पर यह कहा गया कि आपके द्वारा जो बिजली कंपनी जो दावा किया है ना जितने कई करोड़ का, ऐसा लगता है कि पूरा भागलपुर की बिजली जो है ना वो सारा क्लेम यूनिवर्सिटी पर लाती है। अब मैं समझते जा रहा हूँ, नया नया में नहीं समझ में आती थी, तो ये सब जो है इंस्पेक्टर साहब मतलब इस पर भी ध्यान नजर रखनी चाहिए। दूसरी चीज ये वाला गेट बंद है दाहिने तरफ वाला, बाएं तरफ वाला गेट पर ऑलरेडी है कि 10 बजे के पहले नहीं खुलेगा, अब कोई भी बड़ा वाहन नहीं जाएगा, केवल विश्वविद्यालय के शिक्षक या छात्र हमारे जो हैं ना प्रोफेसर लोग लोग आ जाएंगे, और उधर से जो कौन हाथी नाला से जो रास्ता बना हो गांव से, उधर से कोई भी सब्जी वाला या और कोई ठेला या ईंट जो ले जाने वाले होते हैं वो लोग आते हैं, उन पर प्रवेश ऑलरेडी प्रतिबंधित है, ये बातें पहले ही भी पास कर लिया विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय देखिए पढ़ने लिखने का जगह है, यहाँ पर अगर जमा कराए ये तो कोई ये नहीं है कि हम लोग ऐसा कार्य करते हैं, विश्वविद्यालय का जब तक एडमिनिस्ट्रेशन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं होगा विश्वविद्यालय शांति से नहीं चलेगी, और आप उसके लिए बहुत प्रयत्नशील रहते हैं, तो मेरे कहने का मतलब कि कभी भी किसी हालत में अगर कोई बाहरी आदमी बाढ़ या किसी भी बहाना लेके तो पहले आप विश्वविद्यालय को सूचित करें। ऐसे में आज ही मैं DM साहब को और जो भी यहाँ के नगर निगम के लोग हैं उन लोगों को मैं लिख देता हूँ कि अगर कोई बाढ़ पीड़ित आते हैं तो विश्वविद्यालय को उसका सेंटर ना बनाएं, इसके लिए कोई अपना स्थल बाहर में जाकर के निश्चित करें जहाँ पर तुमको दें।
विश्वविद्यालय के अंदर ऑलरेडी प्रोहिबिटेड मना ही है, इस पर और नहीं होगी। थैंक यू। भागलपुर जिले के सर्किट हाउस में कृषि एवं उद्योग समिति के सदस्य सह शेरघाटी विधायक मंजू अग्रवाल ने संवाददाता सम्मेलन किया। उन्होंने बताया कि बिहार में बटाईदार किसानों की संख्या अधिक है, एक कृषक को सरकारी सहायता या मुआवजा मिलनी चाहिए, वो प्रत्यक्ष रूप से किसान को नहीं मिल पाता। बिचौलियों और पदाधिकारियों की मिलीभगत से किसान सरकारी सहायता राशि से वंचित रह जाते हैं। मौके पर राजद के सभी कार्यकर्ता, कृषि एवं उद्योग संबंधित लोग उपस्थित थे। सुदामा प्रसाद ने बताया कि किसानों के बदहाल स्थिति को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। मंडल भागलपुर शाखा द्वारा अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवा संघ के दर्जनों कर्मियों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया। इस एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में प्रदर्शनकारियों ने अपने 10 सूत्री मांगों को लेकर यह प्रदर्शन किया और सरकार और विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उन लोगों को मूलभूत सुविधाएं मुहैया की जाए, वेतन वृद्धि की जाए, हम लोगों के काम का समय निर्धारित किया जाए और कई तरह की योजनाएं हैं जिसका लाभ हम लोगों को अभी तक नहीं मिल पा रहा है, उस लाभ को जल्द शुरू कर दिया जाए। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो यह प्रदर्शन और विकराल रूप धारण करेगा और हम लोग कामकाज भी ठप कर देंगे। आप लोग धरना पर बैठे हुए हैं। हमारी 10 सूत्री मांगे हैं। पहला 8 घंटा और पेंशन का प्रावधान, दूसरा हमारी मांग 5 लाख आपका दुर्घटना बीमा, 5 लाख का ग्रेच्युटी और 180 दिन का पेड लीव। उसके बाद हमारे आश्रित को भी मेडिकल सुविधा। क्रमवार इस तरह हमारी मांग है। और कमलेश चंद्र कमेटी जो सरकार की ओर से गठित किया गया था उसमें भी हम लोगों के साथ बहुत विलंब, 1/1/1916 से हमारी रिपोर्ट है जिसमें कि 12, 24, 36 मुख्य रूप से ये हमारी मांग है जो आज तक नहीं मिला है। उसके बाद हम लोग क्रमवार कर ही रहे आंदोलन। इस बार जो है आज के दिन हम लोग का धरना है हर पूरे देश के अंदर, सभी डिवीजन में हमारे GDS कर्मचारी धरना पे बैठे हुए हैं और क्रमवार 4 तारीख को हैंगर स्ट्राइक है और 13 तारीख को हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठेंगे।